वेलकम अगेन गाइस। तो हमारे पिछले ट्यूटोरियल में हमने मेटा एक्सप्लॉइट के बारे में जाना था। आज हम उसी के बारे में और जानेंगे और ये देखेंगे कि आखिर उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो ये हमारी काली लिनक्स की इंटरफेस है और मैंने विंडोज़ एक्सपी भी ओपन कर रखी है अपनी, ताकि जो अब हम मेटा एक्सप्लॉइट यूज़ करें तो विंडोज़ एक्सपी पर यूज़ करें। मेटा एक्सप्लॉइट यूज़ करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेटा एक्सप्लॉइट तभी काम करता है जब हमें अपने टारगेट की वल्नरेबिलिटी के बारे में पता हो। तो वो चीज़ हम स्कैनिंग फेज में जानेंगे, लेकिन अभी हम एक जो हमारे विंडोज़ एक्सपी में वल्नरेबिलिटी है उसका नाम है MS-08-067। तो हम उस वल्नरेबिलिटी को यूज़ करेंगे विंडोज़ एक्सपी के ऊपर, क्योंकि हमने अभी तक स्कैनिंग किया नहीं है। तो अभी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे सिर्फ इस ट्यूटोरियल के लिए। बाद में हम जब स्कैनिंग फेज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर वो वल्नरेबिलिटी हमें पता कैसे चली थी। तो अभी मेटा एक्सप्लॉइट हमने स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगाएगा, अपने डाटाबेस अपडेट करेगा जो कि अब ओशो हो रहा है, क्रिएटिंग डाटाबेस। ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने के बाद आपको एक विंडो मिल जाएगी, तब तक आप बस वेट करिए इसके पूरी तरह से स्टार्ट होने का। तो फाइनली हमारा मेटा एक्सप्लॉइट स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें अभी 1467 एक्सप्लोइट्स है, 840 ऑक्सिलरी है और 232 पोस्ट है जो कि इसके डाटाबेस में है। ऐसे ही पेलोड्स, एनकोडर एंड नॉप्स, इन सब के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि आखिर होते क्या है, तो मैं अभी इन्हें नहीं बताऊँगा। अभी हम बात कर रहे थे हमारी एक वल्नरेबिलिटी MS-08-067। तो हम मेटा एक्सप्लॉइट में सबसे पहले उसे सर्च कर सकते हैं। उसे सर्च करने के लिए आपको कमांड डालनी होती है सर्च उस वल्नरेबिलिटी का नाम MS-08-067, एंटर। अब ये अपने डेटाबेस में इसे सर्च करेगा और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है उसे शो कर देगा। तो इसने शो करा दिया कि जैसे कि आपने इसका ये पूरा नाम इसने दिखाया जो कि रियल है, exploit/windows-smb, ये इसका जो हम भी हमने डाला था वो शॉर्ट नेम था, ये इसका पूरी फुल नेम है MS-08_067_net-API। उसके बाद ये कब डिस्क्लोज हुआ था वो डेट है, रैंक इसकी क्या है, ग्रेट है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सर्विस रिलेटिव है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है कि आखिर इसे यूज़ कैसे करना है, ये किस प्लेटफॉर्म के लिए है। तो उसके लिए आपको टाइप करना होता है इन्फो और जो भी हमारा एक्सप्लोइट है उसका पूरा नाम जो कि है exploit/windows/smb/MS-08_067_ उसके बाद net-api एंटर। अभी हमारी इस हमें को इसकी सारी डिटेल्स दे देगा जो कि ये है। ये हमारे जिस जिस टारगेट्स पे ये काम करेगा वो सारे टारगेट्स के नाम हैं जो कि काफ़ी बड़ी लिस्ट है। उसके बाद तो ये हमारा स्टार्ट है, यहाँ से इसका नाम है। ये इसमें मेटा एक्सप्लॉइट में कौन सा मॉड्यूल यूज़ हो रहा है, ये किस प्लेटफॉर्म के लिए जो कि विंडोज़ है। उसके बाद ये लाइसेंस, रैंक, डिस्क्लोज डेट जो कि हम पहले देख चुके हैं।
उसके बाद अवेलेबल टारगेट्स में ये किस किस टारगेट्स के लिए, जो कि काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो पे रहने देना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और फिर अब हमारा अटैक एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद है, थोड़ा नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं 72 टारगेट्स है इसके। उसके बाद इसके ऑप्शंस, सबसे पहला है आर होस्ट, दूसरा आर पोर्ट और तीसरा एसएमबी पाइप, जो कि ब्राउज़र है। आर होस्ट में क्या होता है कि ये रिमोट होस्ट होता है, जहाँ पे हमें अपने टारगेट का आईपी एड्रेस डालना होता है, जो कि लिखा है डिस्क्रिप्शन में, द टारगेट एड्रेस। उसके बाद है हमारा आर पोर्ट, जहाँ पे हमें उसका पोर्ट डालना होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट 445 है, इसे अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने दे, क्योंकि हम बेसिक्स कर रहे हैं। उसके बाद इसके पेलोड इन्फॉर्मेशंस है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शंस है, जहाँ जिसके जो इसके बारे में बता रखा है। अब जो हमारा है, उसके बाद हम इसका जो मॉड्यूल्स होते हैं उसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं शो ऑप्शंस, सो ऑप्शंस में ये हमें ऑप्शंस दिखा देगा। उसके बाद है हमारा शो टारगेट्स, हम पहले ही टारगेट देख चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम आर होस्ट को सेट करेंगे, जिससे कि हम हैक कर सकें। तो उसके लिए कमांड होती है सेट आर होस्ट और हमारा आईपी एड्रेस, जो कि अगर मैं विंडोज एक्सपी की तरफ देखूँ तो आईपी एड्रेस हमारा ये है 192.168.79.134। तो हम वही डाल देते हैं 192.168.79.134, एंटर। अब हमारा आर होस्ट सेट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेप है, वो है हमें पेलोड्स चूज करना होता है। जैसे कि मैं पहले बताया था कि एक्सप्लोइट सिर्फ एक्सप्लोइट करेगा, लेकिन जब हम पेलोड उसमें उसके साथ जो भी पेलोड जाएगा, वो हमें कंट्रोल करने की पूरी वो दे देता है परमिशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेलोड्स आखिर कौन कौन से हमारे पास। तो टाइप करते हैं शो पेलोड्स, तो ये हमारे पास काफ़ी सारे पेलोड्स हैं। तो अब हमें सबसे पहले जो हमारा वल्नरेबिलिटी है, उसे यूज़ करना होता है, ताकि हम उसे एक्सप्लोइट कर सके। तो सबसे पहले हम करते हैं यूज़। उसके बाद दो जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, जो कि है विंडोज़, उसका एड्रेस डाल देते हैं /smb/ms08_067_net API, एंटर। अब ये इन यूज हो चुकी है, मींस अब हमारा जो मेन मॉड्यूल है, ये स्टार्ट हो चुका है। अब फिर से डालो शो ऑप्शंस, तो हमें ये इसके रिलेटेड ऑप्शंस दिखाएगा, जो कि यह है आर होस्ट जो हम सेट कर चुके हैं, आर पोर्ट। उसके बाद एक्सप्लोइट टारगेट ऑटोमेटिक है, जो कि मैंने बता चुका हूँ ये होते क्या है। अब क्योंकि हम पेलोड सेट, पहले हमें पेलोड्स मैनुअली चूज करना होता है, अगर हम चूज नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट कोई सा भी पेलोड यूज कर लेता है जो इसमें डिफॉल्ट हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम वैसे ही टेस्ट के लिए एक्सप्लोइट लिख देते हैं, एंटर। अब ये क्या करेगा, जो हमारी विंडोज़ एक्सपी है उसे एक्सप्लोइट करना शुरू कर देगा, लेकिन जो इसका डिफ़ॉल्ट पेलोड है उससे। पहले में ये हमारा, जहाँ पे ये हमारे टारगेट का आईपी एड्रेस है, उसके बाद ये किस पोर्ट को यूज़ कर रहा है लिसन के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये डिटेक्ट कर रहा है हमारे टारगेट को, जो कि विंडोज़ एक्सपी SP3 है।
अपने आप ये डिटेक्ट कर लेगा उसको। तो अगर कोई एरर नहीं आई तो मींस इसने सक्सेसफुली एक्सप्लोइट कर दिया है। जो ये मैटर प्रेटर कमांड है ये यही शो कर रही है कि हमारा जो टारगेट है वो एक्सप्लोइट हो चुका है, मींस वो हैक हो चुका है। लेकिन क्योंकि ये डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट पेलोड पे अभी हुआ था, तो अभी हम इसे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, इसे एग्जिट कर देंगे। तो उसके लिए सिर्फ कमांड डाल देंगे एग्जिट एंटर। लेकिन अब हम जो करेंगे उसमें मैनुअली कोई पेलोड चूज करेंगे और फिर अगेन इसे एक्सप्लोइट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पेलोड्स चूज करना होगा, जैसे कि मैंने पहले डाला था शो पेलोड्स। तो आप दोबारा से शो पेलोड्स डाल के चेक कर सकते हैं कि कितने पेलोड्स हैं इसमें, काफ़ी सारे हैं। उसमें से अभी हम जो यूज़ करेंगे वो है सेल रिवर्स टीसीपी। ये दो टाइप के पेलोड्स होते हैं, एक तो होता है बाइंड शेल और एक रिवर्स शेल। जो बाइंड शेल होता है वो क्या करता है कि सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है और फिर उसके रिप्लाई का वेट करता है। और ज़्यादातर जो होती है वो, अगर क्योंकि हमारा अभी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो है 4444, लेकिन जब हम ये रिक्वेस्ट किसी, जब हम रियल हैकिंग करेंगे, क्योंकि ये तो अभी हमारी प्रैक्टिस थी, विंडोज़ एक्सपी हमने खुद ने सेट किया है, फायरवॉल ऑफ कर रखी है, इसलिए हमारी जो रिक्वेस्ट जा रही है और वापस भी आ रही है। लेकिन अगर जब हम मेन किसी को वैसे हैक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट वहीं टर्मिनेट हो जाएगी 444 पोर्ट देखकर, क्योंकि फायरवॉल को पता चल जाएगा ये मैटर प्रेटर है और वो उसे वहीं रोक देगी, जो हमारा कनेक्शन होगा उसे ड्रॉप कर देगी। तो फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन बाद के लिए हमें कोई दूसरा पोर्ट, जो कोई भी फायरवॉल कनेक्शन को ड्रॉप ना कर सके, ऐसा चूज करना होता है, जैसे कि 80 या फिर जो भी 445 कुछ भी। तो उसके लिए सबसे पहले अब हम इसमें पेलोड सेट करेंगे, तो उसके लिए डालना होता है सेट पेलोड, उसके बाद पेलोड का नाम जो कि विंडोज स्लैश सेल अंडरस्कोर रिवर्स स्लैश अंडरस्कोर TCP एंटर। अब हमारे ये वाला पेलोड सेट हो चुका है। उसके बाद हम इसमें फिर से चेक करेंगे शो ऑप्शंस डालकर कि आखिर इस पेलोड में हमें कौन कौन से ऑप्शंस डालने होंगे। एंटर। जैसा कि आपने देखा इसमें आर होस्ट तो है, ये तीन ऑप्शंस तो सेम है, लेकिन अलग से ये ऑप्शंस आ गए जिसमें एल होस्ट और एल पोर्ट है। जो हमारा एल होस्ट है वो होता है हमारा खुद का, जो मशीन जिससे हम हैक कर रहे हैं। क्योंकि एल होस्ट में क्या होता है कि क्योंकि हम अभी कर रहे हैं रिवर्स शेल, तो ये क्या काम करता है कि पहला जो रिक्वेस्ट भेजता है उसके बाद बिना उसके रिप्लाई आने की दूसरी रिक्वेस्ट भेज देता है। लेकिन इसे ज़रूरी होता है कि कौन सा एड्रेस पे वो लिसन करेगा, मींस कौन से एड्रेस पे वो जो रिक्वेस्ट आएगी उन्हें फॉरवर्ड करता रहेगा। तो उसके लिए हमें अपना खुद का ही एड्रेस डालना होता है। तो सबसे पहले हमें अपने काली लिनक्स का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो उसके लिए कमांड डालेंगे इफ कन्फिग एंटर। इसमें हमारी जो ये है 192.168.79.136, ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो अब हम इस पर डाल देंगे सेट एल होस्ट और आईपी एड्रेस 192.168.79.136 एंटर। अब हमारा एल होस्ट इस पे हो चुका है। अब हम फिर से करेंगे एक्सप्लोइट और अब आप देखना ये क्या होता है। अब ये फिर से स्टार्ट करेगा हमारे टारगेट को एक्सप्लोइट करना। लेकिन इस बार मैटर प्रेटर लिखने की बजाय
इसने जो विंडोज़ एक्सपी में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जो कि यहाँ उस टाइप का कुछ खोल दिया है। तो एक्चुअली में क्या है कि अब हम सीधे विंडोज़ एक्सपी की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहीं से। तो सपोज़ अगर हमें अपने विंडोज़ एक्सपी का आईपी एड्रेस डालना है, आईपी कॉन्फ़िग एंटर, तो ये पूरी विंडोज़ एक्सपी का ही हमें आईपी एड्रेस शो कराएगा। ये कमांड उसी सिस्टम पर रन होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम सेम कमांड रन हुई है जो कि इसमें थी। सपोज अब हम यहाँ पे dir कमांड डालते हैं तो कुछ ऐसी डायरेक्टरी शो हुई है, वही चीज हम इस पे कर देते हैं cd डॉट डॉट एंटर। दोबारा cd डॉट डॉट एंटर, ये बैक के लिए होता है विंडोज में, और dir। तो ये एग्जैक्ट दोनों फाइल सेम सेम दिखा रहा है अगर आप देखो तो। इससे साफ पता चल रहा है हमने अपनी मशीन हैक कर चुके हैं और उसे अब हम कुछ भी कर सकते हैं यहीं से टर्मिनल कमांड से, जो भी हमें करना है, पिंग वगैरह वगैरह जो भी हम करेंगे वो ये विंडोज एक्सपी यूज करेगी। हम अब यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर पासवर्ड देने का है वो कर सकते हैं, लॉग ऑफ करना है, रिस्टार्ट करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा मेटा एक्सप्लोइट का बेसिक ट्यूटोरियल। आगे हम इसके बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे जब हम एक्सप्लोइट करेंगे। तो गाइज मेरे ट्यूटोरियल्स देखते रहिए और मेरे चैनल को शेयर एंड लाइक ज़रूर करते रहिए। एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइज, एंड बाय।